समाज दो कलर का कुत्ता पाल लेगा, और दो कलर की इंसान की बात आएगी ना तो समाज ही सबसे पहले पीछे भागेगा। I would have these days where I would just sit alone and cry about it, and I would actually think like, why me? ऐसा लगता है कुछ चीज चिपक गई है जिसको मैं निकाल के ऐसे हटा दूं। चलो एक्शन। किसी को दाग नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहता कि वो थोड़ा सा अजीब दिखे, सब अच्छा दिखना चाहते हैं। In school, the way people treated me was so different that actually made me feel not so beautiful about myself. जब विटिलाइगो नहीं था, उसके पहले भी मैं अपने फेस को देख के सोचती थी, यार काश ये कलर थोड़ा और सा होता। मेरी जो कहानी है वो थोड़ी सी एकदम अलग है। आई थिंक 41 या 40 की होंगी मैं। आई वॉज अराउंड 7 or 8 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई फर्स्ट गॉट डायग्नोस्ड विद विटिलिगो। विटिलिगो क्या है? एक तरह का स्किन कंडीशन है जिसमें मेलानिन, जो जिससे कलर बनते हैं ना स्किन पे आते हैं, वो कम हो जाता है। So the part which is brown in color becomes white. It is not contagious. It is not life-threatening at all. अब क्या हम गांव में रहते हैं तो लोगों को लगता है कि ये देवी जी का श्राप है, तो लोग उनके घर में उठना बैठना कम कर देते हैं, लाइक उनके घर में बात करना या कोई पानी भी नहीं पीता उनके यहाँ पे बेसिकली आके। बाहर निकलती थी ना कभी, ऐसे निकली भी तो लोग थोड़ा सा अलग तरह से देखते थे। In school, people used to come and tell me you look like a Dalmatian dog, or someone wasn't ready to sit next to me in the exam because they said I have Sadila skin. Treatment में तो हम बहुत फंसे, मतलब मेरे पिताजी रिक्शा ड्राइवर होते हुए भी बेचारे, उन्होंने कम से कम 7 से 8 लाख रुपए मेरे ट्रीटमेंट में खर्चा किया। We did homeopathy, allopathy, naturopathy. We tried everything. और फिर आप देख रहे हो दाग ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते मुझे लगा ये इतना खर्च हो रहा है, वो पैचेस धीरे धीरे बढ़ रहे थे। As a child, I was not allowed to eat lollipops or chocolates, nothing. मेरे को बोल दिया नमक नहीं खाना, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है यार, थोड़े दिन की बात है, नमक नहीं खाते। मेरी बहन ने भी नमक छोड़ दिया कि जब भैया नहीं खा रहे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, बहन नहीं खा रही तो पापा नहीं खा रहे, पापा नहीं खा रहे तो मम्मी नहीं खा रही, धीरे धीरे करके पूरे घर वालों ने नमक छोड़ दिया। बट ये मेरे साथ रहता है हमेशा, ये फील कि मुझे है कुछ, ये फीलिंग मेरे पास अभी कंटिन्यूस एक्सेप्ट करने के बावजूद पैरेलल मेरे साथ चलती है। मेरे साथ में ना मेरे कलीग्स लोग ना बैठ के खाना नहीं खाते थे। I was really young back then to honestly understand what had happened with me. मैं literally ऐसे से घसता था कि चले जा करके। मन में कहीं कोने में ये जरूर ख्वाहिश आती है कि काश ये नहीं होता। Girls getting attention, girls wearing, you know, dresses and shorts. I wouldn't even wear such things because I used to feel that, you know, I need to hide it. ये डर लगता है कि क्या, मतलब I don't know ये कैसे आए कि मेरे बच्चे को ना हो जाए। और वो 2 साल 1.5 साल बोल सकते हैं जो एक हाई डिप्रेशन होता है ना, तो मेरा हाल वो हो गया था कि नहीं मुझे नहीं जीना यार, और यही सोच के मैं रेलवे पटरी पे आ गया था। एक पॉइंट पे ऐसा आया कि क्या हो रहा है ये, मतलब ये क्यों कर रही हूँ मैं, और मैं पटरी पे लिटरली लेटा हुआ, कोई तो मुझे बोल रहा था आकाश उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। I was around 13 or 14 years old when I completely stopped all my medications. I was like, I don't care about anything. I want to live my life normally. जब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ पे आया ना, तो मुझे मेरे सवालों के जवाब एकदम धड़ल्ले से मिलने लगे कि यार मैं सच में इतना बेवकूफ हूँ कि मैं बॉडी को लेके इतना परेशान हो जा रहा हूँ। मैंने चैलेंज किया खुद को कि नहीं मुझे एक्सेप्ट करना है, तभी तो दूसरे करेंगे। As soon as my vitiligo naturally spread all over, I had so many people coming and tell me, "Oh my God, you're so beautiful, you're so pretty," and I was just like, "You're literally the same people back then in school who didn't even like look at me." बस मेरे मन में ऐसा आया कि कुछ अच्छा करते हैं, और फिर मैंने एक NGO स्टार्ट किया, स्कूल्स में जाना, कॉलेजेस में जाना, लोगों के इसके बारे में बताना।
2020, I made my Instagram profile public. I just started putting dances, this, that, everything. That's how my social media journey started. अब इसको normal मान लिया है मैंने. तो इसको लेके बहुत अब अंदर बेचैनी इतनी ज़्यादा नहीं होती. थोड़ी बहुत होती है कभी. ये भी झूठ नहीं है. I don't think my battle with vitiligo has ended. I still get stared at. I still have people coming and telling me, "Oh, you're so white." इस दाग के वजह से मैं मरा था और इस दाग के वजह से मैं अब जी रहा हूँ. For me, beauty is being yourself and literally loving the self just the way you are. लाइफ के जो भी चैलेंजेस आते हैं, वन ऑफ द विटिलाइगो इंक्लूडेड, इसके साथ फाइट करते रहना ही मेरे लिए ब्यूटी है. मेरे लिए खूबसूरती यही है कि मैं मेरे बारे में कितना अच्छा सोचता हूँ. हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें लगता है कि कोई दूसरा आके मुझे अप्रिशिएट करे, कोई दूसरा आके मुझे खूबसूरत बोले. हम खुद को खूबसूरत बोलना भूल ही गए हैं.